ये गाड़ी चलाते हुए अपने से जाती हैं काम पे, जनता का काम करने। 19 चुनाव का बिगुल फूक चुका है, जब मेरी बच चुकी है और 2019 में बेगूसराय संसदीय क्षेत्र जो है वो काफी अहम रोल दिखा रहा है। वामपंथी का गढ़ हुआ करता था बेगूसराय, फिर लोग यहाँ पे बाहर के प्रत्याशी के भी उधेड़बुन में फंसे, फिर महागठबंधन बिल्कुल चुप बैठा था जिसने बाद में चल के तनवीर हसन का नाम बताया, और अभी गिरिराज सिंह स्पष्ट रूप से आ चुके हैं बेगूसराय। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आम जनता से यही अपील करूंगी कि वो अपना कीमती वोट निश्चित रूप में मतदान की तहत अपना वोट डालें और उन लोगों को सामने लाएं, जिताने जिताएं जो हमारे देश हित और राष्ट्र हित में कार्य करें। उन लोगों को वोट देने से ही हमारा विकास हो सकता है, हमारा देश आगे जा सकता है। राजनीति से परे हटकर प्रत्येक मतदाता अपने वोट का प्रयोग करें राष्ट्रहित के अंतर्गत। व्यक्तिगत तौर पे 3 प्रत्याशी हैं, कन्हैया कुमार हैं और तनवीर हसन हैं और गिरिराज सिंह। व्यक्तिगत तौर पे किनको जाना चाहिए ये सीट? जी, व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी पर कमेंट्स नहीं करना चाहूंगी। हाँ, सभी अपने अपने जगह में, अपने अपने क्षेत्र में सभी अच्छे हैं, और हम यही चाहेंगे कि जो बेहतरीन अपनी पूरे जनता के लिए, पूरे बेगूसराय जिले के लिए जो बेहतर से बेहतर हमारी जनता को दे सके, वही इस क्षेत्र में आए, वही जीत कर सांसद बने। बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 का चुनाव युद्ध का शंख बज चुका है, आपको क्या लगता है भागलपुर से? भागलपुर कांटे का टक्कर है सर, इसमें भी हम लोग नहीं कह पाएंगे होगा क्या, कल होगा। पिछली बार बहुत कम वोट से हार जीत का फैसला हुआ, सिर्फ 9,485 वोट से शाहनवाज हुसैन हारे थे, समझे जी ना, जबकि जदयू अलग थे। जी और अभी नया चेहरा दिया है एनडीए में जी नीतीश कुमार, जी अब कहाँ तक वो पकड़ बना पाती है, आपको लगता है कि ये जोखिम भरा फैसला है? जोखिम भरा फैसला है, जोखिम भरा फैसला जोखिम है। भरा फैसला है। अगर शाहनवाज हुसैन होते तो उसमें वह अभी 1 लाख वोट से जीतता अबरी बार, निश्चित निश्चित। बुलो मंडल के मतलब काम काज से कुछ संतुष्टि मिली है आप लोग को? देखिए जहाँ तक बात है भूलो मंडल जी का, वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि खराब व्यक्ति हैं, जी काम काज करते हैं जी और पकड़ उनका भी अच्छा है, जी पकड़ उनका समाज पर अच्छा है, जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे, खराबी तो उसमें हम लोगों को नहीं मालूम दे जीत रहा। पाएंगे भागलपुर आप कौन एनडीए? ये अभी हम लोग नहीं कन्फर्म कर पाएंगे सर, आप कार्यकर्ता हैं जदयू के, बीजेपी हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, के बीजेपी कार्यकर्ता के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जरूर चाहेंगे कि हमारा जो ये एनडीए, भीतर घाप जैसी कोई परिस्थिति तो नहीं बन रही? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना 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 नहीं ना ना ना, हम लोग सिर्फ केंद्र को देख रहे हैं, जी, क्योंकि हम यहाँ नीतीश कुमार को नहीं देख रहे हैं। लोगों से आम चुनाव के लिए, 2019 के चुनाव के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार ऊपर जो है मोदी जी, उनका कार्य अच्छा है, जी आज हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं कि हम लोग भी गर्व से सीना ऊंचा करके बैठे हैं कि किसी विदेश को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। क्या राष्ट्रहित में मतदान होना राष्ट्र चाहिए। हित में हम लोग मतदान करने के लिए जा रहे जी हैं? धन्यवाद। 2019 का चुनाव कैसा लग रहा है? आप उप मुखिया हैं। जी, अब चुनाव तो बहुत बढ़िया ही लग रहा है, जो अभी आज से नॉमिनेशन शुरू है और चुनाव में संघर्ष होगा दोनों पार्टी का, और लेकिन बीजेपी कहीं सरकार ऊपर रहेगी। बीजेपी की सरकार होगी। मतलब आप लोग यहाँ पे किस परिस्थिति में अपने आप को पा रहे हैं अभी? यहाँ कांटे की टक्कर है, किसी को नहीं कह सकते हैं अगर कौन जीते हैं। शाहनवाज हुसैन होते तो?
वो सर जीत सकते थे, अभी यहाँ पे टक्कर हो गई, यहाँ उसमें पर टक्कर नहीं था, उस पे नहीं टक्कर थे सर। अच्छा, लगता है आपको चुनाव? बस वही शाहनवाज जी रहते ना तो एकदम क्लियर था कि क्यों जीत तय था। अभी ऐसे? अभी टेंशन है, अभी हो सकता है हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, अभी तो नहीं कह सकते हैं। मतदान राजनीति में होना चाहिए जी। अब वो जो था तो क्लियर था कि नहीं हम लोग जीते। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री है? बहुत सुंदर प्रधानमंत्री है सर। क्या लगता है आपको चुनाव 2019 भागलपुर? भागलपुर में जो है 2019 में बुलु मंडल सौरभ जी जीतेंगे। बुलु मंडल जी जीतेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? 80%। क्या क्या काम हुआ है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में नल का काम हुआ, गली नाली का काम हुआ, अच्छा काम। सात निश्चय में कितना फंड आया था? सात निश्चय में हमको लगभग उसमें काम कितने का हुआ? काम हम लोग 70-80 लाख का कर चुके हैं। जानकारी ये भी मिली है कि कमीशन बहुत जोरों शोर से लिया जा रहा है। हम लोग तो नहीं जानते, हम लगता है हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र या मिडिल स्कूल के शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण भोजन, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सरकार करती है, उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? मैं उसमें तो कमी है, आंगनवाड़ी में भी गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलता है, स्कूल में मिलता है। आप निरीक्षण में जाते हैं? निरीक्षण में जाते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। तो आपने कभी हिदायत दिया नहीं? हिदायत दिया है, कुछ सुधार होता है, 100% सुधार नहीं। CDPO के द्वारा सुनने में आया है कि CDPO के द्वारा बहुत सारे सारे आंगनवाड़ी केंद्र पे कुछ न कुछ राशि बंधी हुई है, आप सहमत हैं? हम लोग भी सुने हैं, इसके तुलना है। सहमत हैं इस बात से, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है जो सुनने में आया सर, हाँ या ना? मैं निश्चित रहता हूँ। निश्चित।